वन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन तक किया था, अब हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे पार्ट टू में। सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज है, जैसे a मल्टीप्लाई बी माइनस सी हो जाता है, बस ना प्लस की जगह माइनस हो जाता है, और ये मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं होता। इक्वल टू का इधर a मल्टीप्लाई बी माइनस a मल्टीप्लाई सी, बस ये माइनस का साइन का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। जैसे एग्जाम्पल में ये लेके देखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, पहले इसको माइनस कर लेंगे, मल्टीप्लाई माइनस वन, और यहाँ टू वन जा टू माइनस थ्री, वन वन जा माइनस वन, माइनस का साइन है, और यहाँ टू माइनस थ्री माइनस वन, सेम है आंसर। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी हेल्ड करेगी। और ये हमने आपको पहले बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी हेल्ड नहीं करती। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें क्या होता है, सिंपल सा होता है इसमें, जैसे हमें कोई भी चीज़ दे रखी है 1/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2/1, मतलब रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होता है। और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है हमारी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि कोई भी अगर नंबर माइनस में दे रखा है तो उसका प्लस हो जाएगा, और प्लस में दे रखा है तो माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लेके देखते हैं, माइनस टू, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, टू, और अगर टू दे रखा है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस टू। यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।